भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है, प्रमाणित करे नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करेंगे। पंजा छाप जो अधिकारी हैं, अब भी वक्त है संभल जाओ। वो अधिकारियों को डरा रहे हैं, इसका मतलब ये खुद डरे हुए। छत्तीसगढ़ में वर्तमान और पूर्व सीएम में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जैसे ही कोई बयान देते हैं, उस पर तुरंत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आ जाती है, और यही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के मामले पर भी होता है। मैं बार बार कहता हूं कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। फिर से दोहरा रहा हूं, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। अवैध वसूली हो रही है, मैं लगातार एक साल से बोल रहा हूँ। 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से। धमकाना चमकाना बंद करे, और सबसे बड़ी बात यह है वो प्रमाणित करे कि एटीएम बोला है उसे, प्रमाणित करे 25 रुपया टन कोयले में ले रहा है, अन्यथा वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगा देंगे। हमारी सरकार ने जितने भी कोलवासियों के खिलाफ कार्रवाई की, सभी जगह छापा डाले। रमन सिंह बताए 15 साल में कितने जगह कार्रवाई की। दोनों ही दिग्गज एक दूसरे के बयानों पर कड़ी नजर रखते हैं, और मौका मिलते ही पलटवार करते हुए एक दूसरे के आरोपों पर जवाब देने का कोई भी मौका नहीं चूकते। आज भी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जय जयपुर विधानसभा के दौरे पर रवाना हो रहे थे, उसके पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने रमन सिंह के आरोपों पर काफी आक्रामक तरीके से पलटवार किया। सीएम के बयान में छत्तीसगढ़ में पड़े ईडी के छापे से लेकर प्रदेश की सियासत तक तमाम विषय शामिल रहे, और खास तौर से मैं एक बार आप बता देना चाहता हूँ कि पंजा छाप जो अधिकारी हैं, अब भी वक्त है संभल जाओ। अभी तो 30-40 गए हैं, भ्रष्टाचार में यदि लिप्त रहोगे तो कहीं बीज बचने वाले नहीं हो। आप ईमानदारी से काम करिए, ज़्यादा वक्त नहीं है, एक साल का समय बाकी है, उनको भी सावधान रहना चाहिए। वो फेयर तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो उसकी हालत जितनी थी उतनी भी नहीं रहने वाली, और इस कारण से वो अपनी खींच अधिकारियों पर उतार रहे हैं। 15 साल तक के थे वो अधिकारी, अच्छे थे, अब आज सरकार में नहीं तो खराब हो गए। अधिकारी अपना काम करते हैं, संविधान के प्रति उनके उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी दी गई उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। देखे जरा किसने कितना कदम।